आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 200 देश इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। भारत की हर गली में लोग योगा करते दिखाई दिए। बिना दवाइयों के स्वस्थ जिंदगी जीने और लंबी उम्र के योग का महत्व पूरी दुनिया समझ गई है और अनुकरण भी कर रही है। दिल्ली के अशोक विहार में मनाया गया इंटरनेशनल योग दिवस हे मालिक मेडिटेशन के डॉक्टर सत्या ने सबको योगा कराया। अशोक विहार के सनातन भवन में योग दिवस पर योग का ये बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इस योगा डे में मेडिटेशन विशेषज्ञ और हे मालिक मेडिटेशन के गुरु डॉक्टर सत्या ने लोगों को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक योग करवाया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 900 से 1000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, साथ ही साथ योग करके अपने मन और तन को शांत किया। वही प्रोग्राम के आयोजक निर्भय नरूला ने बताया कि योग दिवस हर साल हम मनाते हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। योगा हर इंसान के लिए बहुत आवश्यक है जिससे लोग अपने जीवन में तन और मन से खुशियाँ पा सके। डॉक्टर सत्या ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया, योग से हम सीधा ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं और सीधा ईश्वर से जुड़ सकते हैं। योग से हर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। अगर हम लोग डेली योगा करते हैं तो हमें बीमारियां छू भी नहीं सकती। वही आपको बता दें, इस प्रोग्राम में योगा करने के लिए महिलाओं पुरुषों के साथ साथ बच्चों और नौजवानों ने भी योग और मेडिटेशन किया। नसीम अहमद की रिपोर्ट। वेस्टर्न वर्ल्ड में योग गया तो उन्होंने सिर्फ उसके आसन के पार्ट को समझा है। अगर हम अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के योग को देखते हैं तो उसका बहुत ही विस्तृत रूप है और वो बिल्कुल माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस है, बॉडी के ऊपर कम, क्योंकि माइंड से ही बॉडी में जाया जा सकता है। तो इसलिए मेडिटेशन जो है वो माइंड को कंट्रोल करती है और माइंड से हम बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तरह से मानसिक स्थिति से योग कराया है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति अगर बढ़िया होगी, सोच अच्छी होगी, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर जाएंगे। योग होता है आपके शरीर के लिए और जो आध्यात्मिक शिक्षा सत्या जी ने अभी दी उससे मानसिकता की जो नसें हैं वो खुलती हैं और जब वो सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। देश को योगा, को योगा की योगा है क्या, प्राणायाम है क्या, सांसों का कंट्रोल है क्या? किसी एक आसन में बैठ जाएं और उसके बाद कितनी देर उसमें बैठ सकते हैं वो योगा है। तो उसमें कहीं भी हमें एक तरह से जिसको बोलते हैं योगा के साथ कोई पावर योगा या डांस योगा या ये वही भ्रांतियाँ फैल गई हैं और योगा को ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। तो डॉक्टर सत्या जो हैं ये एक इस योगा को एक जो हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमारी योगा की भ्रांति है, तो उसको ये अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं। तो यही कारण है कि आज इनके इतने साधक यहाँ पे मौजूद हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे पे भी बहुत पर्सनल फ़र्क पड़ा है। लाइक मेरा जैसे वजन बहुत ज़्यादा था और मेरे में कई और वजन की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड ये सब प्रॉब्लम थी, तो वो धीरे धीरे अब ठीक होती जा रही हैं। नी पेन हो गया था तो 30-40% रिलीफ मेरे नी पेन में भी है। तो ये सब चीज़ें संदेश में जनता को यही देना चाहूँगा कि डॉक्टर के पास जाने के बजाय योगा को अपनाएं, मेडिटेशन को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ सुंदर बनाएं और लाभपूर्वक।